साढ़े सात हो गए, उठ जाओ भाई। हेलो जी, उठे जी। ये देखिए दोस्तों कैसे सोया हुआ है, टाइम देखिए कितना हुआ है, साढ़े सात संडे। हम थोड़ा जाएंगे उधर मार्केट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। अब ये कौन है बे? चलिए रेडी हो जाएंगे, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज है 19 मार्च 2023। तो कंटिन्यू रहिए हमारे ब्लॉग में और देखते हैं आगे आगे क्या हो रहा है। ये ज्योति जी देखिए, ये तो कपड़ा को पूरा सजा रहा है दोस्तों, और टाइम देख रहा है देखिए, तो गेम बजाना। अरे ब्रो सो चुके हैं हम लोग, थोड़ा क्या खाना है हमको। ओके, तो ये तो अकेले खा रहा है। ये देखिए क्या है, ये मॉर्निंग में हम लोगों को ये खाना है। ये देखिए, ये चना है, रात को भिजा हुआ था, अभी खाना है सुबह। मस्त तो लगता है ये। अच्छा हमको सिखा रही है। देखिए कैसा। तो गाइज अभी इसका टाइम हो रहा है हमारा 5:30 के आसपास। तो अभी हम आ चुके हैं, हमारा टाउन से थोड़ा बाहर है ये, हमारा दारिंगबाड़ी का रास्ता में हम अभी है। बहुत सारा पहाड़ है, ये देखिए दोस्त ये रास्ता, ये देखिए हमारा पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा है उधर। सूरज देखिए उधर, और जाने वाला है उसका घर। ओके, और हम दोनों इधर बैठ के थोड़ा सा, ये थोड़ा अच्छा जगह है, बहुत शांत जगह है। ये देखिए पीछे साइड कैसा है, हरियाली हरियाली दिख रहा है इधर। और ये हमारा पीछे साइड में और एक नीम का पेड़ है, और ये है साल का पेड़ ना। ओके, बहुत अच्छा ही शांत इधर, बहुत शांत लग रहा है। आज तो सुबह बारिश हो रहा था हमारा इधर, और अभी अभी थोड़ा बारिश नहीं हो रहा है, इसीलिए थोड़ा मौसम भी थोड़ा ठंड लग रहा है, और रात को भी ठंड लगेगा लगता है। कल से इधर हमारा बारिश हुआ है, और आज सुबह भी बारिश हुआ था, 2-3 बजे थोड़ा थोड़ा कम होके अभी थोड़ा बंद कर दिया है बारिश ना। और ये देखिए बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पे आओगे तो बहुत शांत लगता है। ये देखिए रोड का साइड में ये जगह मिलता है। चारों तरफ दिखोगे ना तो ये पहाड़ है, चारों तरफ दिखोगे छोटा छोटा पहाड़ है, बहुत सारा पहाड़ है। दारिंगबाड़ी जाना है क्या? यहाँ से दारिंगबाड़ी कितना किलोमीटर हो जाएगा? 45 किलोमीटर यहाँ से, मतलब टाउन से 50 किलोमीटर। हम तो 10 किलोमीटर आ चुके हैं इधर। ज़्यादा दूर भी नहीं है ये, थोड़ा बड़ा पहाड़ दिखता ही देता है आप लोगों को। हमारा 10-12 पहाड़ को क्रॉस करने से उधर साइड है दारिंगबाड़ी, पहला टाइम मिलेगा आप लोगों को दारिंगबाड़ी। ज़्यादा दूर नहीं है, 45 किलोमीटर, मतलब बाइक से आराम से जा सकते हो, पास ही है दारिंगबाड़ी का व्यू। अगर आप लोग जाओगे तो, ठंडी का दिन में जाओगे तो टूरिस्ट प्लेस बहुत ही मस्त लगता है उधर दारिंगबाड़ी, मतलब विंटर में अच्छा लगता है ना। हाँ बहुत ही टूरिस्ट लोग आते हैं उधर, बहुत सारा हमारा टूरिस्ट प्लेस है उधर। क्या क्या है? कॉफी गार्डन होता है, और वाटरफॉल दासिंगबाड़ी, बटरफ्लाई पार्क, हाँ लवर्स पॉइंट, लवर्स पॉइंट और हिल व्यू पॉइंट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है उधर हिल व्यू पॉइंट ना, दारिंगबाड़ी। दोस्तों ये हमेशा ये मास्क लगा के रहता है, तो मास्क देख रहे हैं ना दोस्तों, मेरा आदत बन गया है, मतलब मास्क पहन के 2-3 साल हो गए, तो हमेशा पहनना चाहिए। अभी कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है,
कहीं भी भीड़ जगह में, भीड़ जगह में जाओगे तो मास्क पहन के रहना चाहिए। ये पाटपल्ली गांव के आसपास है हम लोग, अभी जो जगह है पाटपल्ली, और पाटपल्ली इधर चारों तरफ पहाड़ी, हर पहाड़ के नीचे एक गांव मिलेगा आप लोगों को, एक तो नहीं दो तीन गांव ही मिलेगा ज़्यादा, पहाड़ के नीचे सब पहाड़ के नीचे गांव ही गांव बसा हुआ है। हम जाएंगे, शाम हो चुका है, कितना टाइम हुआ है? 6 होने वाला है। हाँ 6 होने वाला है, इसलिए हम थोड़ा इधर से जाएंगे, मतलब इधर ज़्यादा देर तक नहीं रुकना है, इधर हम अंजन है टाउन से, हम थोड़ा दूर आए हुए हैं ना, 12 किलोमीटर दूर आए हैं यहाँ से। ये देखिए दोस्तों हमारा पीछे साइड का व्यू, ये रास्ता था जाओगे तो सीधा दारिंगबाड़ी, और इधर है हमारा टाउन, ये वाला टाउन है, और जति भी अभी गाड़ी चला के जाएगा, ये बाइक चलाएगा, अभी चलाएगा गाड़ी, ओके अच्छा चलाता है गाड़ी मस्त। तो गाइज आप लोग ने देख लिया हमारा ये छोटी सी वीडियो, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल में जो नया है दोस्तों जल्द जाके हमारा वहाँ सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को जब भी हम नया वीडियो अपलोड करते जाएंगे आप लोग को पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, नमस्कार, जोर, टेक केयर। नहीं नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।